नमस्ते दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है क्रिप्टो इंडिया चैनल में। हम आशा करते हैं आप लोगों ने हमारा इथेरियम क्लासिक का जो सिग्नल था जिसमें कैलेस्टो कॉइन्स एयर ड्रॉप होने वाले हैं मार्च के अराउंड, वो आपने फॉलो किया हो और आपने जो हमने प्राइस दी थी 0.0025 उसके नीचे डिप के अंदर इस कॉइन को परचेस कर दिया हो, क्योंकि अभी देखे तो ऑलरेडी ये राइज करना चालू हो गया है और अभी और ज़्यादा राइज करेगा जैसे जैसे डेट पास में आएगी। तो इस कॉइन को देखते रहिएगा और इसको फॉलो करिएगा एंड आई होप इसमें आपके जो भी लॉसेज हुए हैं या जो प्रॉफिट आप कमाने के लिए इसमें आपने स्पेंड किया है वो उसमें आपको अच्छा रिटर्न मिल जाए। अगर आपने अभी तक इसके अंदर परचेज नहीं किया है तो फिर आप वेट करिए, एक डिप का वेट करिए, ताकि एकदम ऑल टाइम हाई पे जो ऊपर जा रहा हो तब परचेज नहीं करें, लेकिन जब थोड़ा नीचे गिर रहा हो तब इसको आप परचेज कर लें। तो आइए दोस्तों, अब मेन टॉपिक पे आते हैं जहाँ पर हम ये डिस्कस करते हैं कि क्या हम फ्यूचर के अंदर जो इनकम टैक्स है वो बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी से पे कर पाएंगे। तो अमेरिका की जो स्टेट है एरिजोना, वहाँ पर एक बिल प्रेजेंट किया गया है जो वहाँ के सेनेटर्स और रिप्रेजेंटेटिव्स ने सबमिट किया है। मैं आपको दिखाता हूँ ये सबमिट किसने किया है, मैं आपको उनके नाम दिखाता हूँ। तो ये हैं सेनेटर वॉरेन पीटरसन, सेनेटर डेविड फ्रांसवर्थ और दो रिप्रेजेंटेटिव हैं, एक है ट्रेविस ग्रैंथम और एक है जेफ वेनिंग। तो ये चार लोग हैं जिनने बिल सबमिट किया है। बिल के अकॉर्डिंग ये बोल रहे हैं कि एरिजोना की जनरल पब्लिक को यह अधिकार होना चाहिए कि अगर वो अपना टैक्स पे करना चाहते हैं तो वो बिटकॉइन या किसी और क्रिप्टो करेंसी के थ्रू उसको पे कर दें। उस बिल को इनने सबमिट किया है, उस पर स्टडी की गई, उस पर डिस्कशन हुआ और उसके बाद उसमें बिटकॉइन के साथ लाइटकॉइन भी ऐड कर दिया गया और थोड़े से चेंजेस हुए जिसके अंदर ये बोला गया कि जो नॉर्मल पब्लिक है वो एक डिपार्टमेंट को बिटकॉइन में या लाइटकॉइन में या किसी और क्रिप्टो करेंसी में पे करेगी और वो डिपार्टमेंट उस बिटकॉइन को फिर डॉलर्स में कन्वर्ट करेगा और उनका जहाँ पर टैक्स की जो लायबिलिटी होगी उसके लिए वहाँ पर वो पेमेंट आगे सबमिट करेंगे। तो ये बिल था जो फाइनल इनका प्रपोज हुआ, जो इनिशियल सबमिट हुआ था उसके बाद इसमें चेंज होके सबमिट हुआ। तो आइए आगे देखते हैं उस बिल में आगे क्या हुआ। देखिए 10 जनवरी को ये बिल सबमिट हुआ था, इंट्रोड्यूस हुआ था सेनेट के अंदर और वहाँ पर इस पर डिस्कशन चालू हुआ था। तो ये डिस्कशन ऑलमोस्ट 1 मंथ के लिए, 1 महीने के लिए चला और फाइनल अगर हम देखें कि उसके बाद रिजल्ट क्या आया वोटिंग का, तो वोटिंग हम देखें तो बहुत ही क्लोज वोटिंग हुई। 16 लोग जो थे, 16 मेंबर्स जो थे वो उसके बिल के फेवर में थे, उनने बोला हाँ ये बिल पास होना चाहिए, और 13 मेंबर थे वो बिल के फेवर में नहीं थे, उनने मना किया कि नहीं ये बिल पास नहीं होना चाहिए, और 1 मेंबर थे जिनने वोट नहीं किया। तो फाइनली ये बहुत अच्छी न्यूज़ है कि ये बिल पास हो गया है और आने वाले टाइम में ये जल्दी इसके ऊपर लॉज बना रहे हैं और ये बिल जो पास हुआ है इसके बाद बहुत ही जल्दी एरिजोना की पब्लिक वहाँ पे अपना जो टैक्स है वो बिटकॉइन, लाइटकॉइन या किसी और क्रिप्टो करेंसी में पे कर पाएंगी। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है स्पेशली हम क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि इससे हमको ये दिख रहा है कि US के अंदर, US जो एक तरह से वर्ल्ड लीडर है और काफ़ी कंट्रीज़ उनको फॉलो करती हैं, वहाँ पर पहली एक ऐसी स्टेट आ गई है जहाँ पर ये बिल पास हो गया और क्रिप्टो करेंसी से आप गवर्नमेंट का टैक्स पे कर सकते हो। तो ये काफ़ी बड़ी बात है और हम यही उम्मीद करते हैं कि देखिए एरिजोना के अंदर ये एक्सेप्ट किया है तो ये टेस्टिंग फेज़ है, यहाँ पर जिस तरह से रिजल्ट आता है और जो रिस्पॉन्स आता है उसके बेसिस पे अगर वो बहुत पॉजिटिव और अच्छा आया तो आगे जाके बाकी जो स्टेट्स हैं US के अंदर वो भी इसको बिल को एक्सेप्ट कर सकती हैं, बाकी जो स्टेट्स हैं वहाँ पर भी सेनेटर्स और जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ये भी बिल पुश कर सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं और हो सकता है वहाँ पर भी पास हो जाए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। देखिए बुरी न्यूज़ हर चैनल कवर करती है और बहुत बड़ा बना के बताती है, लेकिन ऐसी अच्छी न्यूज़ जो है वो बहुत कम लोग शेयर करते हैं और हम हमेशा ये चाहते हैं कि ऐसी न्यूज़ जब भी निकले तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि सबको पता चले कि दुनिया के अंदर असली में हो क्या रहा है। हम हमेशा आपको साफ और सच्ची न्यूज़ देते हैं और ये भी जो आपको हम डॉक्यूमेंट दिखा रही है ये उनके ऑफिशियल जो गवर्नमेंट का पेज है जहाँ पर वो सारे बिल्स पोस्ट करते हैं ताकि जनरल पब्लिक देख पाए, वहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन है। तो ये 100% राइट इन्फॉर्मेशन है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है, वोटिंग नंबर सब कुछ आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये न्यूज़ थी दोस्तों जो हमको आपसे शेयर करनी थी टैक्स के रिगार्डिंग, कि बहुत जल्दी एरिजोना के अंदर वहाँ की पब्लिक टैक्स पे कर पाएगी। हम ये होप करते हैं इंडिया के अंदर भी बहुत ही जल्दी ऐसा हो ताकि हम यहाँ का टैक्स भी बिटकॉइन में, क्रिप्टो करेंसी में पे कर पाएँ, लेकिन आगे देखना पड़ेगा अब आगे होता क्या है, हमारी गवर्नमेंट क्या डिसाइड करती है।
बाकी दोस्तों अगर हम बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन अभी हम देख सकते हैं स्टेबलाइज काफ़ी हद तक होने की कोशिश कर रहा है। 9000 का ये मार्क है जिसके ऊपर जाने की कोशिश ये कर रहा है, लेकिन वहाँ से जा नहीं पा रहा है। अभी बिटकॉइन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि $9000 का जो ये मार्क है इसको तोड़ दे। इसको एक बार तोड़ेगा तो ये ऊपर जा सकता है, या फिर नेक्स्ट लेवल 10,000, 11,000 ऐसे करके धीरे धीरे राइज करने की पॉसिबिलिटी है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और दोस्तों इस वीडियो को प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा क्योंकि इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके लिए हम सबसे पहले लेके आए हैं, तो आपका एक क्लिक उस लाइक बटन के ऊपर हमको काफ़ी मोटिवेट करेगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, जल्दी ही और वीडियोज़ लेके आएंगे, तब तक के लिए सी यू गाइस, बाय बाय।